नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास सिक्स की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग एक का चैप्टर सिक्स, पार नजर के। तो ये जो चैप्टर है पार नजर के, इसमें हमें मंगल ग्रह के बारे में बताया गया है। यानी कि जैसे कि आप सभी देखते हैं आपने न्यूज़पेपर्स में और अपने टीवी में देखा होगा कि अंतरिक्ष यान को भेजा जाता है दूसरे ग्रहों पर। जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर भेजे जाते हैं, वहां की जानकारियां एकत्रित करते हैं। और अपनी विज्ञान की पाठ्य पुस्तिका में भी आपने इनके बारे में थोड़ा बहुत चीजें पढ़ी होंगी, अपने शिक्षकों से आपने थोड़ा बहुत चीजें इस बारे में सुनी होंगी। तो आज का जो हमारा ये चैप्टर है, इसी पर बेस्ड है। यही सारी चीजें, अंतरिक्ष यान, दूसरा ग्रह और मेन एक चीज है एलियंस। आपने एलियंस के बारे में सुना होगा कि जो हम कहते हैं ना कि दूसरे ग्रह के लोग आ गए, तो दूसरे ग्रह के लोगों को एलियंस कहा जाता है। तो उन्हीं के बारे में भी इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये पार्ट जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है। और जिस चीज के लिए, क्योंकि अंतरिक्ष एक ऐसी ऐसा नाम है जिसे सुनते ही हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि अच्छा ये है तो ये कैसे है, ये क्यों है, ये कहाँ है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल अंतरिक्ष शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में आने लगते हैं। तो आज यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे सवाल एक छोटे बच्चे के मन में है और उन्हीं सवालों का यहाँ पर बहुत तरीके से हल खोजा गया है। और बहुत सारी बातें इस पाठ में हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी बिल्कुल ध्यान लगाकर समझने का प्रयास कीजिएगा। हम शुरू करते हैं आज का सेशन, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि आपका ये पाठ है पार नजर के, तो इस तरह के ये आप जो स्पेसशिप्स यानी कि आप देखते हैं बाहर जो भेजे जाते हैं, आप कई बार आसमान की तरफ जब हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है धुएं की एक लाइन सी दिखाई देती है। और फिर हम बोलते हैं कि देखो देखो स्पेसशिप जा रहा है, अंतरिक्ष यान जा रहा है। तो अंतरिक्ष यान जब जाता है तो इस तरह का वो दिखाई देता है आसमान में। और यही सारी चीजें हम इस पाठ में भी पढ़ेंगे कि कैसे अंतरिक्ष यान जो है आकाश में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है। और बहुत ही ज्यादा ये इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा मजेदार ये हमारा पाठ आज होने वाला है। तो आप सभी बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझेंगे। देखिए, शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की जो है मनाही थी। एक सुरंग नुमा रास्ता है और आम आदमी के लिए वहां से जाने की मनाही है। लेकिन छोटू एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? एक छोटा बच्चा है जिसका नाम छोटू है और उसके पापा जो है एक एक स्पेस एजेंसी या उस पे हम कह सकते हैं काम करते हैं। तो वहां पर एक छोटा सा सुरंग नुमा रास्ता है और वहां पर आम लोगों के लिए यानी कि जन साधारण के लिए, हमारे जैसे आपके जैसे आम लोग जो हैं उनके लिए वहां पर जाने की मनाही है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति वहां पर नहीं जा सकता। लेकिन जो छोटू है, एक छोटा बच्चा है, वो क्योंकि उसको बहुत उत्सुकता है, बहुत जिज्ञासा है उसके अंदर, जानने की उसको बहुत ज्यादा चाह है कि यहाँ आखिर है क्या, ऐसा क्या है यहाँ कि हमें नहीं जाने दिया जाता है यहाँ पर।
जिस तरह आपके मन में भी अगर आपके कई बार होता है, आपके मम्मी पापा कहते हैं कि आप ये काम नहीं करेंगे, आप वहां नहीं जाएंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे, तो आपको लगता है कि आखिर ऐसा है क्या वहां पे, हमें जाना चाहिए, हमें ये काम करके देखना चाहिए, तो बच्चों के अंदर और ज्यादा जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। तो उसने भी यही किया, उसने चुपचाप से अपने पापा का जो सिक्योरिटी पास था, यानी कि जिससे वहां पर एंटर किया जाता था, वो लेकर वहां पहुंच गया और फिर वो सुरंग में चला गया। फिर क्या हुआ, छोटू कितनी बार कहा है तुमसे उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? छोटू की जो मम्मी है वो उसे डांट रही है कि तुम वहां पर क्यों जाते हो। तो वो कहता है कि फिर वहां पापा क्यों जाते हैं रोज रोज? तो उनकी मम्मी बताती है, पापा को काम पर जाना होता है, क्योंकि उनके पापा तो वहां पर काम करते हैं, तो पापा को तो जाना ही होता है, तो रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। और अक्सर ये बातें छोटू की जो माँ थी उनके और छोटू के बीच हुआ करती थी, क्योंकि जो छोटू था वो रोज प्रयास करता था, वो रोज कुछ ना कुछ इस तरह का करना चाहता था कि वो उस सुरंग के पास जा सके। तो छोटू ने आज ये प्रयास जो है वो कर लिया था, वो वहां पर सुरंग में जा चुका था, चला गया था। तो लेकिन इस तरह की बातें अक्सर उनके घर में हुआ करती थी। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते पर जाने की मनाही थी, यानी कि जो आम आदमी था, नॉर्मल जो लोग थे, वो इस रास्ते से नहीं जाया करते थे। इस रास्ते पर केवल वो लोग जिनको यहाँ पर काम है, जो यहाँ पर काम करते हैं, वही जाया करते थे। चंद चुनिंदा लोग जो थे, जो इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे, उनमें से एक थे छोटू के पापा, यानी कि जो कुछ चुनिंदा लोग थे वही इस रास्ते पर जाया करते थे, उनमें से एक थे छोटू के पापा। लेकिन आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही थे, आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। अब आज छोटू को मौका मिल गया था, क्योंकि उसके पापा की छुट्टी थी और उसके पापा आराम कर रहे थे घर पर, और उसने क्या किया, चुपचाप से अपने पापा का सिक्योरिटी कार्ड लिया और वहां से वो सुरंग की तरफ चल दिया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी और जो सुरंग नुमा रास्ता था यह अंदर दिए, यहाँ पर अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था और दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। देखिए, आपने जब हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये जो चित्र यहाँ पर दिया गया है, ये वही छोटू है, क्योंकि ये जो पूरी कहानी है ये कहानी मंगल ग्रह की कहानी है और मंगल ग्रह में जो लोग हैं वो जमीन के नीचे रहा करते हैं, यानी कि वहां पर लोगों की जो बस्ती है, लोगों की जो बस्ती है वो जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे रहती है। तो वहां पर जैसे हम अपने अपने ग्रह के, अपने जो हम सारे लोग हैं, अगर हमारे पृथ्वी पर किसी और ग्रह के जो लोग अगर आ जाएं तो हम कहते हैं एलियन, देखो एलियन आ गया, एलियन आ गया, है ना? तो इसी तरह के एलियन हमें दिखाई देते हैं। आपने कहीं पर फोटोज में, पोस्टर्स में, न्यूज़पेपर्स में कभी पढ़ा होगा, कभी सुना होगा, मोबाइल फोन में भी आपने देखा होगा कि हम एलियन अगर डालें तो इस तरह की फोटोज हमें दिखाई देती हैं एलियंस की। तो ये जो छोटू था ये भी एक एलियन है, यानी कि क्योंकि हम मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं, मंगल ग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं और वहां पर लोग, मंगल ग्रह में जो लोग हैं वो जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के अंदर, यानी कि सुरंग बनाकर जमीन के अंदर वो रहा करते हैं, उनकी कॉलोनी जो है वो जमीन के अंदर ही है।
तो जब यहाँ पर छोटू के पिताजी, क्योंकि वो उसी सुरंग के अंदर काम करते हैं, यानी कि चाहे क्या वो चाहे वो जमीन से बाहर काम करते हो, कहीं और काम करते हो, क्योंकि उनकी जो पूरी फैमिली है, उनका जो पूरा उनकी जो एक पूरा समाज है, वो जमीन के अंदर बसा हुआ है। तो यहाँ पर छोटू जो है, उसको उस सुरंग को देखकर बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है कि आखिर यहाँ अंदर क्या है। तो बार बार वो उस रास्ते पर जाने का प्रयास करता है, वो सोचता है कि आखिर मैं देखूंगा इस पे क्या है, क्या इसमें होने वाला है आगे। तो जब एक बार उसको ये मौका मिल गया, क्योंकि उस दरवाजे पर एक सिक्योरिटी पास होता था, कोई भी आम आदमी उस दरवाजे से बाहर नहीं जाता था, और छोटू के पापा वहां काम किया करते थे, तो उन्हें वहां के लिए सिक्योरिटी पास मिला हुआ था कि आप यहाँ एंटर कर सकते हैं, जब आप इस पास को यहाँ पर लेकर आएंगे तो आपके लिए दरवाजा खुल जाएगा, जैसे मूवीज में आपने देखा होगा, या फिर जब आप लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं या आप होटल रूम का दरवाजा खोलते हैं तो आपको एक कार्ड मिलता है। तो बिल्कुल इसी तरह छोटू के पापा के पास भी एक कार्ड था, जिससे वो उस दरवाजे को खोल पाते थे, वहां एंटर कर पाते थे। तो आज वो कार्ड जो है वो छोटू को मिल गया था। तो दरवाजे में खांचा बना हुआ था, छोटू ने खांचे में कार्ड डाला और तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने जैसे कार्ड स्वाइप करते हैं, ऐसे कार्ड उसके अंदर स्वाइप किया और दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया, अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, वह सुरंग नुमा रास्ता ऊपर की ओर जाता था, यानी कि जमीन के ऊपर की तरफ, क्योंकि उनकी जो पूरी बस्ती थी वो कहाँ बसती थी, जमीन के अंदर उनका रहना था। जैसे हम कहाँ रहते हैं, हम पृथ्वी पर रहते हैं, ऊपर ऊपरी सतह पर रहते हैं पृथ्वी की, लेकिन एलियंस जो है ये लोग जमीन के नीचे, मंगल ग्रह में जमीन के नीचे रहते थे। तो फिर ये जो रास्ता जा रहा था, ये रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था, यानी कि जमीन के ऊपर का सफर करने कर आने का मौका मिल गया था। और आज छोटू को जमीन के उस ऊपरी सतह का को घूमने का मौका मिल गया था, जमीन के ऊपरी सतह पर जाने का मौका मिल चुका था। मगर कहाँ, अभी उसे ये पता नहीं था कि उसे जाना कहाँ है, मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए गए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे निरीक्षक यंत्र जो है उसके अंदर हर जगह जगह पर लगाए गए थे, यानी कि अगर कुछ भी संदेहास्पद लगता है, यानी कि कुछ किसी चीज पर अगर थोड़ा सा भी शक होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी सिक्योरिटी वहां पर बनाई हुई थी, पूरी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की हुई थी, कि अगर जरा सा भी कोई ऐसी हरकत होती है, जरा सा भी कोई अनजान व्यक्ति जमीन के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करता है या वहां से बाहर निकलने का प्रयास करता है तो उन्हें पता चल जाए। तो इस तरह के कुछ निरीक्षक यंत्र जो है उस रास्ते पर, उस सुरंग पर जगह जगह लगे हुए थे, क्योंकि छोटू पहली बार ही उस रास्ते पर गया था और बस उसको एक ही चीज पता थी कि जो दरवाजा खुलता है वो सिक्योरिटी कार्ड से खुलता है। तो सिक्योरिटी कार्ड उसने ले लिया था और बाकी चीजों की उसे जानकारी नहीं थी। लेकिन मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए गए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, और मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई, क्योंकि वहां पर एक एज लिमिट होती है कि हाँ, इस एज का व्यक्ति ही यहाँ पर प्रवेश कर सकता है, क्योंकि छोटू जो है वो अभी छोटा है। तो उस मशीन ने पहले ही इस बात के थोड़े बहुत संकेत देने शुरू कर दिए, क्योंकि इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे घुस आया, यानी कि कैसे आया। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली और किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई, क्योंकि अंदर जो कैमराज लगे हैं, सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, नियंत्रण यंत्र लगे हैं,
उनके द्वारा जो निरीक्षक यंत्र है उनके द्वारा एक के द्वारा सबसे पहले थोड़ा बहुत ऐसी सूचना भेजी गई कि कुछ संदेहास्पद है, यानी कि कुछ ऐसी चीज हो रही है अंदर जो नहीं होनी चाहिए। और फिर एक जो दूसरा निरीक्षक यंत्र था उसने छोटू की फोटो जो है खींच ली, और वहां पर जो नियंत्रण केंद्र है यानी कि कंट्रोल रूम जो है उस सुरंग का, वहां पर उस तस्वीर को भेज दिया गया। और वहां पर जब उस तस्वीर मिली तो वहां चारों तरफ खतरे की सूचना दे दी गई कि कुछ इस सुरंग के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है। और इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था, क्योंकि छोटू को तो बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि ये सारा काम जो है वहां पर लगे लगी मशीनें कर रही थी, वहां पर लगे निरीक्षक यंत्र कर रहे थे। तो छोटू बिल्कुल अपने मजे से, क्योंकि वो एंटर हो चुका था अंदर, अब वो पूरे मजे से आगे बढ़ रहा था। और तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत नहीं, क्योंकि हर बार यही होता है जब आप मम्मी पापा का कहना नहीं मानते हैं, कुछ गलत काम करते हैं तो डांट पड़ना तो बनता है। तो अब यहाँ पर छोटू पर भी यही मुसीबत आ गई थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था, क्योंकि छोटू का के पापा छोटू से बहुत प्यार करते थे और वो अपने बच्चे की पिटाई देख नहीं सकते थे। तो आज उसके पापा घर पे थे तो तब थोड़ा सा बच गया, लेकिन वरना वो अपनी मम्मी से जरूर पिटाई खाता। छोड़ो छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है और आम आदमी वहां नहीं जा सकता, क्योंकि वहां के माहौल में जी नहीं सकते हैं। तो आप कैसे कैसे जाते हैं वहां? छोटू का सवाल लाजमी था, क्योंकि छोटू के पापा ने कहा, उनका देखिए क्या होता है कि हम जहां पर रहते हैं हमारी बॉडी उसी जगह के उसी वातावरण के अनुकूल हो जाती है। हमारी बॉडी बिल्कुल उसी टेम्परेचर पर रिएक्ट करने लगती है, यानी कि वहीं पर हम जी सकते हैं। अगर हमें देखिए क्या होता है कि सर्दियों में जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो हम अपने शरीर को बचाने के लिए, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए बहुत ज्यादा गर्म कपड़े पहनते हैं। गर्मियों में गर्मी से बचने के लिए हम एसी, कूलर, फैन चलाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। तो ये हमारा बॉडी का बैलेंस है कि हम अपने वातावरण के अनुकूल अपने आप को बैलेंस करते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें दिक्कत नहीं होती, परेशानी नहीं होती, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, हम नॉर्मली अपनी लाइफ को सर्दियों में गर्मियों में जी पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमें हमारा जो वातावरण है, हम खुले वातावरण में रहते हैं, और अगर ऐसा हो कि तुरंत हमें जमीन के नीचे डाल दिया जाए, किसी सुरंग में डाल दिया जाए, तो क्या हम वहां पर सरवाइव कर पाएंगे? क्या हम वहां पर जी पाएंगे? और अगर ऐसा भी हो कि हम कुछ दिनों के लिए वहां पर खाना भी लेकर जाएं, पानी भी लेकर जाएं, सब कुछ करें, लेकिन एक दो दिन हमें अच्छा लगेगा कि हम कुछ नया देख रहे हैं, कुछ नया काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हमें सफोकेशन होने लगेगी, हमें घुटन होने लगेगी, क्योंकि हमने तो ऐसी जगह हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती है। हम तो एकदम खुले वातावरण में रहने वाले हैं, बहुत हमने घर बनाकर रहना सीखा है, हमने खाना पका कर सीखा है, खाना सीखा है, बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि हमारी बॉडी अब इसके अनुकूल हो चुकी है। लेकिन एकदम से अगर हमें दूसरा वातावरण दे दिया जाए तो हम वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। तो क्योंकि छोटू यानी कि जो एलियंस थे, मंगल ग्रह के जो लोग थे, वो जमीन के नीचे निवास करते थे, वो सुरंग में निवास करते थे, यानी कि जमीन के नीचे ही उनका पूरा एक समाज, उनका एक पूरी व्यवस्था उनकी जमीन के नीचे ही बनी हुई थी। तो जमीन से बाहर निकलना यानी कि ऊपरी सतह पर निकलना वो बिल्कुल भी उनके लिए एक खतरा था। तो उसके पापा जो हैं, क्योंकि वो स्पेस उनकी बाहर जमीन के बाहर काम करते हैं, तो वो तो हमेशा वहां पर काम करते, क्योंकि वो अपने लिए उस तरह की चीजें जुटाते हैं, उस तरह की चीजें इकट्ठी करते हैं कि वो वहां पर काम कर सके। और क्योंकि वो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं तो काफी उनकी जो बॉडी है उसके अनुकूल
हो चुकी है। तो यहाँ पर जब छोटू ने कहा, छोटू के पापा ने कहा कि मैं जहाँ काम करता हूँ वो क्षेत्र जो है जमीन से ऊपर है, यानी कि वो लोग जमीन के अंदर रहते हैं, तो जमीन की ऊपरी सतह पर उसके पापा काम करते हैं, और उन्होंने कहा कि वहां पर आम आदमी नहीं जा सकता क्योंकि वहां का माहौल जो है जैसा है वहां पर जी नहीं सकते। तो अब ये जो उसने सवाल किया था, तो आप कैसे वहां पर रह लेते हैं? तो छोटू का ये जो सवाल था ये बहुत ही ज्यादा अच्छा और सटीक सवाल था, लेकिन उसका भी जवाब उसके पापा के पास था कि वहां पर एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूं, मैं वहां पर एक स्पेस सूट पहनकर जाता हूं। आपने देखा होगा स्पेस सूट कैसा होता है, व्हाइट कलर का, जिसमें पूरा जो बॉडी होती है वो कवर की जाती है, और ऑक्सीजन मास्क हमारे फेस पे लगाया होता है, और बहुत सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। तो इसमें हम उन फोटोज को आप अपने न्यूज़पेपर्स में देख सकते हैं, मोबाइल फोन्स में देख सकते हैं कि स्पेस सूट जो है वो किस तरह का दिखाई देता है। इस स्पेस सूट में मुझे ऑक्सीजन मिलती है जिसमें मैं सांस ले सकता हूं, और इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से अपने आप को बचा सकता हूं। तो जो छोटू के पापा है उन्होंने कहा मैं इसी स्पेस सूट की वजह से अपने आप को जो बाहर की ठंड है उससे बचा सकता हूं। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर चलना मेरे लिए मुमकिन होता है। देखिए हर चीज उनके लिए अलग बनाई जाती है वहां पर, क्यों साथ में सबसे पहले उन्हें स्पेस सूट पहनाया जाता है, फिर ऑक्सीजन उन पर उनके फेस पे लगाई जाती है, और दूसरा कि वो ठंड से बच भी जाते हैं स्पेस सूट पहनकर, और फिर वो एक बहुत ही अलग तरह के जूते पहनते हैं जिससे वो उस जमीन पर चल पाते हैं। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि ये सारी चीजों के लिए उनकी पहले ट्रेनिंग उन्हें पहले दी जाती है कि इस तरह से आपको चलना है, इस तरह से आपको, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण जो है जिसकी वजह से हम जमीन पर खड़े हो पाते हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा चुंबक है जो हमें जमीन के ऊपर खड़े रहने पर सहायता करती है, जमीन के ऊपर खड़े करने में हेल्प करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी सेब एप्पल जो है जब टूटकर गिरता है, या कोई भी फल गिरता है, या फिर आप एक बॉल को जब ऊपर उछालते हैं तो हमेशा वो नीचे की तरफ आती है। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तो बच्चों ये जो चैप्टर हमारा है ये बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है। इस चैप्टर से, इस पार्ट से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को समझने को मिलने वाली हैं। तो आज जितना भी हमने पढ़ा इससे आपको पता चला है कि ये जो पार्ट है ये मंगल ग्रह के बारे में है, एलियंस के बारे में है, और कैसे वो लोग अपना जीवन जीते हैं। और क्योंकि जैसे हम पृथ्वी वाले दूसरे ग्रह के लोगों को एलियंस कहते हैं, तो जब हमारा स्पेसशिप वहां पर लैंड करता है तो वहां के लोग हमारे ग्रह के लोगों को एलियंस कहते हैं। और बहुत सारी बातें आपको पृथ्वी के बारे में और बाकी ग्रहों के बारे में इस पाठ में पढ़ने को मिलेंगी। तो आज अभी के सेशन में हमने जितना भी पढ़ा इसको आप घर पर रिवाइज कीजिए। इस पाठ का शेष भाग हम अपने अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।